Hello friends, this is Srikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. In today's video, I am going to discuss Word Power Made Easy is 7, session number 7. इसके पहले मैं session number 6 तक video upload कर चुका हूँ. यदि आप मेरे channel पे नए हैं, तो please subscribe my channel and press the bell icon. That's why all the notification of my videos will reach you as soon as possible, as soon as I upload the video. For your kind information, I want to tell you, मेरे पुराने वीडियोस के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े होंगे. आप वहां से पुराने वीडियोस को देख सकते हैं और अपने लिए उसे यूजफुल कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. पहला वर्ड है यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट. सेशन नंबर 7 में साइकोलॉजिस्ट. साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक. मनोवैज्ञानिक यानी कि एक व्यक्ति जो हमारे मानसिक स्थिति का विश्लेषण करता है, जो हमारी मानसिक स्थिति का इलाज करता है, उसको समझता है. वो हमारे मानसिक डार्क जो हिस्टरीज होती है उसको समझता है, उसके हमारे ह्यूमन बिहेवियर को समझता है, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करने के लिए हमें तरीका बताता है. तो ऐसे व्यक्ति को साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है. अगर शॉर्ट में बोलें तो कहा जा सकता है कि यह प्रोफेशनल्स होते हैं जो इम्प्लॉय किए जाते हैं. कहाँ पे किए जाते हैं? इंडस्ट्रीज में, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में. और किस लिए किए जाते हैं? इम्प्लॉयज मीन्स फॉर कीपिंग वर्कर्स प्रोडक्टिव एंड हैप्पी. ऐसे लोग इम्प्लॉय किए जाते हैं कंपनियों में, इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, इंडस्ट्रीज में, ताकि वह बच्चों को या वर्कर्स को मोटिवेट कर सकें, उन्हें प्रोडक्टिव एंड हैप्पी बना सकें. साइकोलॉजिस्ट इज दिस प्रैक्टिशनर इज अ फिजिशियन. साइकोलॉजिस्ट अपने आप में एक फिजिशियन भी होता है. फिजिशियन मीन्स एक डॉक्टर भी होता है और उसे साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है. हु हैज बीन स्पेशली ट्रेंड इन द टेक्निक्स डिवाइड बाय सिगमंड फ्रायड. सिगमंड फ्रायड के द्वारा जो एक सिस्टम क्रिएट किया गया था लोगों के मानसिक स्थिति को समझने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि उनकी मानसिक स्थिति में उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो उस पर आधारित होता है साइकोलॉजिस्ट. ऑर्थोडोंटिस्ट. ऑर्थोडोंटिस्ट अ प्रैक्टिशनर हुज वर्क एज अ डेंटिस्ट हु हैज टेकन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क इन द स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ. स्ट्रेटनिंग मतलब सीधा करना. यानी कि जो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है ये दांत को सीधा करने का काम होता है. स्पेशली ये दो वर्ड्स मिलकर बना है. ऑर्थस मींस होता है स्ट्रेटनिंग. एंड ओडोंटस मींस टीथ. ऑप्टोमेट्रिस्ट. दिस प्रैक्टिशनर मेजर्स योर विजन. ऑप्टोमेट्रिस्ट ये हमारे विजन को मेजर करता है. ये दो वर्ड से बना है. ऑप्टस एंड ऑप्टस मीन्स होता है विजन एंड मेट्रिस्ट ये मेट्रोस से बना है. मेट्रोस का मतलब होता है मेजरमेंट. मेजरमेंट यानी कि जो हमारे आंखों के विजन का मेजरमेंट करता है. और ग्लासेस के लिए, चश्मे के लिए, ग्लासेस मीन्स चश्मे के लिए प्रिस्क्राइब करता है कि हमें चश्मा लगवा लेना चाहिए. ऐसे एक्सपर्ट को ऑप्टोमेट्रिस्ट बोला जाता है. नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिशियन. ऑप्टिशियन ये भी सेम वर्ड्स बना है. ऑप्टिकोस यानी कि विजन एंड इसियन. इसियन मीन्स होता है एक्सपर्ट. तो जो विजन का एक्सपर्ट होता है, विजन का एक्सपर्ट कौन होता है? जो उसको बताएगा कि आपको कैसे चश्मे लगाने चाहिए. तो दिस प्रैक्टिशनर ग्राइंड्स लेंसेस यानी कि चश्मे को बनाता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन प्रेस्क्राइब बाय योर ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थल्मोलॉजिस्ट. ऑप्थल्मोलॉजिस्ट यानी कि आंख जो विजन मेजरमेंट करता है, जो हमारी दृष्टि का मेजरमेंट करता है, उसके द्वारा बताए गए, सुझाए गए, प्रेस्क्राइब किए गए जो जिस स्पेसिफिकेशन का वो ग्लास या लेंस लगाने के लिए बोलता है, तो जो ग्लास या लेंस बनाने का काम करता है उसे ऑप्टिशियन बोलते हैं, यानी कि चश्मा देने वाला. ऑस्टियोपैथ. ऑस्टियोपैथ वर्ड पे चर्चा करते हैं.
होस्टियोपैथ दिस प्रैक्टिशनर यूजेस आइदर मसाज एंड मैनिपुलेशंस और अदर स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसीजर्स टू ट्रीट इलनेस ऑफ बोन्स एंड ब्लड वेजेस। ये जो एक्सपर्ट होता है ये हमारे ब्लड वेजेस यानी कि जो ब्लड वेजेस होती है खून की नसें होती हैं और हमारी जो हड्डियां होती है उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ये मसाज करके और मैनिपुलेशन करके मसाज करके मालिश करके ठीक करने का काम करते हैं। यानी कि जैसे मोच खा जाती है हमें कोई दिक्कत होती है तो उसको सीधा करते हैं उसको ऑस्टियोपैथ बोलते हैं। किरोप्रैक्टर किरोप्रैक्टर स्पेशली इस एक्सपर्ट का काम होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है उसको ट्रीटमेंट देना उसको सही करना मैनिपुलेटिंग करना आर्टिकुलेशन ऑफ द बॉडी स्पेशली दोज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉलम। अब किससे जुड़े होते हैं जो हमारे स्पाइनल कॉलम से जुड़े होते हैं उससे बोलते हैं और ये दो वर्ड्स मिलकर बना है किरो प्लस प्रैक्टर। प्रैक्टर मतलब एक्सपर्ट एंड किरो मीन्स होता है हैंड किरो मीन्स हैंड। तो जो हाथ का एक्सपर्ट होता है यानी कि हाथ से जो काम करता है स्पेशली हमारी बॉडी का जो हमारी स्पाइनल कॉलम को ठीक करता है जो हमारी नसें इधर उधर हो जाती है कहते हैं जैसे आप सुनते होंगे कहते हैं कि नस बैठाने के एक्सपर्ट हैं हमारी जो नसें ब्लड वेजेस कोई डिस्टर्ब हो जाए तो उसको ठीक करने के जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें किरोप्रैक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं ये दो वर्ड से मिलकर बना है पेडस प्लस आइट्रिस्ट। आइट्रिस्ट पेडस पेडस मीन्स होता है फिट एंड आइट्रिस्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट यानी कि जो उसको मेडिकल हीलिंग देता है उसे पोडियाट्रिस्ट बोलते हैं। पोडियाट्रिस्ट मतलब दिस प्रैक्टिशनर माइनर फुट एलिमेंट्स जो पैरों के छोटे छोटे एलिमेंट्स को देखता है स्पेशली जो हमारा मोच आ जाना कैलूज मतलब होता है तलवे में जो चमड़ी मोटी हो जाती है तलवे की और जो दर्द करता है उसको कैलूज बोलते हैं चमड़े का मोटा होना चमड़े का मोटा होना। और बनियन जो होता है इसको हिंदी में गोखुर बोला जाता है गोखुर यानी कि अंगूठों में पैर के अंगूठों में जो स्वेलिंग आ जाती है पैर के अंगूठे में स्वेलिंग को पैर के अंगूठे में स्वेलिंग अंगूठे में सूजन इसको बनियंस कहा जाता है। तो हमें इस चीज को ध्यान देना होता है एंड समटाइम्स ही में परफॉर्म माइनर सर्जरी पैरों की माइनर सर्जरी को भी परफॉर्म करता है से पोडियाट्रिस्ट बोल। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेफोलॉजिस्ट। ग्रेफोलॉजिस्ट ग्रेफो प्लस लॉजिस्ट से बना है ग्रेफ यानी कि ग्रेफस यानी कि इसका मतलब होता है टू राइट या टू ड्रॉ और लॉजिस्ट ये लोगस से आया है लोगस मीन्स होता है साइंस और स्टडी। तो यहाँ पे अ प्रैक्टिशनर हु एनालिसिस है ना लिसिस द हैंडराइटिंग जो हैंडराइटिंग का यानी कि हाथ से लिखी हुई राइटिंग का जो एनालिसिस करता है जो उसको समझता है जो उसका एक्सपर्ट होता है और डिटरमाइन करता है कैरेक्टर पर्सनालिटी ऑफ एप्टीट्यूड एंड इज ऑफन कॉल्ड अपॉन इट्स वैरायटी ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ सिग्नेचर्स। ये सिग्नेचर्स और रिटन डॉक्यूमेंट्स के ऑथेंटिसिटी को डिटरमाइन करता है यानी कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है आपका सिग्नेचर कैसा है यानी कि जब कोई ऐसी बात हो जाती है जहां सिग्नेचर और रिटन डॉक्यूमेंट्स या हैंडराइटिंग के थ्रू जांच करवानी होती है तो ऐसे एक्सपर्ट जो होते हैं वो है जेरंटोलॉजिस्ट। ये मैं क्या क्लियर कर दूं दो वर्ड से मिलकर बना है जेरंटस जेरस प्लस लॉजिस्ट यानी कि लोगस। लोगस का मतलब होता है साइंस ये आपको क्लियर है आर स्टडी एंड जेरस का मतलब होता है ओल्ड ओल्ड पीपल यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनका जो साइंस होता है या उनका जो एक्सपर्ट होता है जो बूढ़े लोगों की समस्याओं को समझता है उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है स्पेशली क्या होता है
जब लोग रिटायरमेंट होते हैं तो उनकी जो इकोनॉमिकली स्थिति होती है, फिनेंशियली उनको स्टेब्लिश करना, उनका जो सोशल समाज से दूर हो जाता है, अकेलापन आ जाता है, और खास करके जो वृद्धावस्था में फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उन सबकी जो एक्सपर्ट होता है उसको जेरेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। थैंक यू।